नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जय हिंद सेना प्रमुख नवीन जय हिंद रोहतक के सिंचाई विभाग में किसानों की आवाज उठाने के चलते एक्सियन ऑफिस पर गमछा बांधने की वजह से सुर्खियों में थे। इस गमछे को बांधने का कारण था किसानों की समस्या का समाधान न होना। नवीन जय हिंद रोहतक की जिला कोर्ट में दीपक यादव की अदालत में पेश हुए और दूसरे पक्ष ने अपनी गवाही भी दी। नवीन जय हिंद ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि किसान बार बार सिंचाई विभाग के चक्कर काट रहे थे, लेकिन उनकी कोई सुन नहीं रहा था। फिर वे किसान अपनी परेशानी लेकर उनके पास आए और फिर वह सिंचाई विभाग में एक्सियन ऑफिस पर पहुंचे। एक अधिकारी के दफ्तर पर पहले ही ताला लगा हुआ था और कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं था। ना तो उन्होंने किसी तरह की सरकारी काम में बाधा डाली, ना ही सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और ना ही किसी से किसी भी तरह की कोई मारपीट की। किसान जो इतने दिनों से सरकारी दफ्तर के चक्कर काट रहे थे, आला अधिकारियों ने तुरंत संज्ञान लिया और किसानों की समस्या का समाधान करवाया। रोहतक से हमारे संवाददाता विकास ओहलियान की रिपोर्ट। नवीन, आज सुनवाई चल रही थी जो आपका सिंचाई विभाग का मामला था उसको लेकर के और गवाही भी होनी थी, तो क्या रहा है आज? देखो, ये जो मामला था, किसान परेशान थे पानी की वजह से और वो बार बार शिकायत लेकर सिंचाई डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे आ रहे थे, तो हमारे पास वो शिकायत लेके आए थे कि हम बार बार चक्कर काट रहे हैं लेकिन कोई काम नहीं करवा रहा है और एक अधिकारी जो था उसके ऑफिस के ऊपर ताला लगा हुआ है। तो हम आए थे और हमने आगे खुद देखा था और मीडिया के भी सब साथी थे, वहाँ पे ताला लगा हुआ था। उन्होंने फिर हमने पूछा भाई किसने ताला लगाया ये, तो एक वहाँ पे ऑफिस खुला पड़ा था, वहाँ कोई था नहीं उस, तो वहाँ पे किसानों ने जो समस्या थी वे अपनी बताई थी। उसके बाद केस लगवा दिया गया था, जेल में भी गया था मैं, तो उसकी आज तारीख थी। हमने एक तो कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहा कि एक रुपया नुकसान नहीं कर रहा, क्या किसी को गाली दे रखी ना, किसी के साथ मारपीट कर रखी ना, और लेकिन भाई केस तो आवाज उठाएंगे तो केस तो लागेंगे। तो आज गवाही थी, आज वो उन्होंने अपनी जो भी स्थिति है वो बताई है, गवाही दी है। लेकिन ये अपना जज साहब दीपक यादव जी जो थे उनके उसमें थी और कल की फिर दोबारा जो है हमारे को कल की तारीख मिली है। और हम तो ये कह रहे हैं हमने उसमें किसी भी तरह का कोई इस तरह की चीज़ करी है नहीं थी कि जिसकी वजह से कोर्ट में केस करना पड़ता, ये पॉलिटिकल लोगों का काम था जिन्होंने करवा दिया केस, तो भुगत रहे हैं। तो अब गवाही चल रही है तो जज साहब के सामने हम अपना पक्ष रखेंगे। अगवे ना हमने कोई नुकसान कर रखा, ना हमने कोई मारपीट कर रखा, ना कोई गाली गलौज कर रखी ना उसमें, और तो हम इसमें क्या बताऊँ। तो किस तरह की पेश करेंगे आप अपनी तरफ से? हम तो पेश करेंगे, सारा मीडिया था, सारी वीडियो सब कुछ है, हमने किसी तरह में करा नहीं रखा। इव न्यू तो भाई FIR करवाओ, कोई केस करवाओ का तो करवाए जाओ, उसका चीज का तो हमारे तो रिपके इलाज है भाई, तो चक्कर काटने पड़े कोर्ट आएंगे, आवाज उठाओगे तो किसान थे, एक तो गाँव का सरपंच था और एक कोई फौजी था जो किसान थे, वो आ रहे थे, वो हमारे दोहराए थे और वहां पर सबने देखा था कि वहां ताला बंद कर रखा था। अधिकारियों का कर्मचारियों का आपसी झगड़ा था, उसकी वजह से किसान परेशान थे और हमने आकर ये कही थी भाई इसका ताला खोल दो और यो काम कर दो, इस बात पर केस हो गया, जेल में भी चले गए, के बताओ और के बताओ मैं इसमें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।